फाजिल्का जिला की पुलिस को असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाए गए अभियान में बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने 4 करोड़ रुपए की हीरोइन के अलावा बड़ी मात्रा में शराब और पोस्त भी बरामद किया है। जिला पुलिस प्रमुख गुलनीत सिंह खुराना ने बताया कि एक दोषी को नाजायज पिस्तौल समेत भी गिरफ्तार किया गया है। यह पिस्तौल मेरठ से लाया गया था। उन्होंने बताया कि अलग अलग थानों में दर्ज हुए इन मामलों में कुल 15 दोषियों को नामजद किया गया है। इनमें से 7 को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकियों की तलाश जारी है। मुहिम चल रही है ड्रग के खिलाफ। ये कल काफ़ी वड्डी सानू सक्सेस हासिल हुई है। समझलो करके शराब आती हैगी 480 पेटियाँ एक तो 165 पेटियाँ एक थाते सानू बरामद हुई है शराब की। इस तो अलावा सानू एक देसी कट्टा बरामद होया है। तो आप वक् वक् थावान से एफ आई आर दर्ज की। टोटल 15 बंदे ये इनवॉल्व है, जिदे टोटल 6 बंदे गिरफ्तार 7 बंदे गिरफ्तार ने, बाकी बंदे हजे गिरफ्तार करने रेंगे। किस तरह? देखो जी, पहला जरा एक थाना वैरोके का है, ये मोटरसाइकिल उत्ते लै करके आ रहे थे समान, जिसे इन्हों नाका साढ़े SHO साहब ने लाया हुआ है, उतों बरामदगी हुई है। इस तरीके जी भुखे की बरामदगी हुई है, राजस्थान वालों लै करके आ रहे थे, उत्तर नाका साढ़ा और उत्थे बरामदगी 4 करोड़ के करीब तो अपनी हीरोइन हैगी। बाकी इनिशियल पूछगिछ के हिसाब से मेरठ तो लैकर के आए थे मुंडे, और एक बंदा फड़िया गया, दूजा बंदा हजे भजया हुआ है। सानू आस है कि उन्होंने जल्दी फड़ के वो भी कुछ ना कुछ बरामदगी करा। पूछगिछ में ऐसा कोई गल सामने नहीं आई कि कोई वारदात करना चाहते थे, बट कट्टा लैकर के आए ने, यदा मतलब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अबोहर की जम्मू बस्ती इलाके के एक युवक की नशे की ओवरडोज से मौत के मामले में SSP गुलनीत सिंह खुराना ने जांच का भरोसा दिया। उन्होंने बताया कि मृतक जीरकपुर में रहता था और उसी दिन ही अबोहर अपने परिवार में मिलने आया था। उन्होंने बताया कि इस मौत के संबंध में CRPC की धारा 174 के तहत कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि अबोहर के DSP खुद इस मामले की जांच कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं असी। DSP साहब भी मौके से गए थे, उन्होंने देख करके यही दस है कि वो कुछ समान बरामद हुआ जो नशे करके हैगा, बट वो मुंडा इतने नहीं रहा, चंडीगढ़ जीरकपुर रहा, और कल शाम ही वो वापस आया सीगा 7:30 बजे। उस तो बाद कल घरों निकल के गया है, एंड उसकी डेथ पता चली गई। 174 की कार्रवाई असं करवा रहे हैं। अगर कोई भी गल इनक्रिमिनेटिंग सामने आएगी उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे।